और आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पर इंडिया का भी नाम है। तो दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, बट मुझे यहाँ पे एक काफ़ी यूनिक सा म्यूज़ियम मिला है। इसका नाम है टॉर्चर म्यूज़ियम। अब आपको नाम सुन के थोड़ा कुछ गेस आप कर पा रहे होंगे कि यूरोप में काफ़ी पुराना प्रिजन है, तो उस प्रिजन में जो कैदी थे उनको वो कैद करके उनको टॉर्चर करते थे, और काफ़ी गंदे तरीके से उनको टॉर्चर करते थे। तो इस म्यूज़ियम के अंदर उस प्रिजन के सारे इंस्ट्रूमेंट पे रखे के अंदर, अभी हम पहुँच गए उस म्यूज़ियम के बाहर। तो ये जो म्यूजियम है ये एक बंकर के अंदर है। डॉगी मेरे पीछे आ गया। तो इसका एंट्रेंस आप देख लो कितना खतरनाक है। और हमें यहाँ से नीचे एंटर करना है। म्यूजियम के अंदर एंटर कर लिया है, और एंटर करते ही आपको मुझे दिखाना है ये वाली चेयर। तो देखो दोस्तों, ये जो चेयर है इसके ऊपर सारी कीलें लगी हुई है, बैक पे, नीचे, यहाँ भी और हाथों पे भी। और ये डुप्लीकेट चेयर नहीं है, ये असली चेयर है जो कि प्रिजन में यूज़ करते थे टॉर्चर करने के लिए। तो अभी थोड़ा आगे जाके देखते हैं। ये देखिए, ये एक मुझे बेड जैसा लग रहा है जिस पे कि प्रिजनर को सुला के उसको शायद मारा करते होगे। ये हाथों की हथकड़ी आप देख रहे हो, और ये मास्क, ये शायद जो प्रिजनर को मारता होगा वो ये मास्क पहनता होगा। और ये देखिए आप, इस पे भी सारी कीलें लगी हुई है। थोड़ा आगे जाके देखते हैं। हे भगवान, ये देख लो, यहाँ पर प्रिजनर को सुला के उसके ऊपर काफ़ी सारा वेट रखा करते थे, और ये वेट असली वाले वेट है ताकि उसको पेन फील हो। और ये काफ़ी हेवी है, ये मुझे लग रहा है 20 से 30 किलो का ही पत्थर है, या आई थिंक 50 किलो के आसपास का पत्थर मुझे लग रहा है। इसकी हालत देख लो क्या हुई होगी। प्रिजनर को ऐसे लकड़े के बॉक्स के अंदर डाल के उसके इस तरीके से हाथ बांध के उसको इसके अंदर रखा जाता था। ये काफ़ी हेवी बॉक्स है। हम थोड़ा आगे आते हैं, और ये तो कुछ ज़्यादा ही, इस प्रिजनर को गर्म पानी के अंदर रखा जाता था। और ये जो आप देख रहे हो ये असली वाला पैन है, और इसके अंदर ऐसे प्रिजनर को रखते थे। और यहाँ पर देखो, प्रिजनर को ऐसे लेटा के नीचे आग लगाते थे, और आजू बाजू सब तरफ आग लगा के रखते हैं ताकि उसको काफ़ी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर फील हो। इसका नाम ही रोस्टर बीबीक्यू है, यानी जो प्रिजनर होता है उसका बीबीक्यू बनाते थे। ये आप देख लो, ये जो प्रिजनर है उसके गले के पास यहाँ पर ये क्लिप लगाते थे ताकि उसका जो नेक है वो स्ट्रेट रहे। अगर वो थोड़ा भी वो नीचे कर रहा है तो उसके चेस्ट में ये घुस जाता था, या फिर उसका जो चीन है इसके नीचे ये घुस जाता था। तो काफ़ी पेनफुल है ये, उसको दिन भर ऐसे ही उसका जो फेस है स्ट्रेट उसको रखना पड़ता था। लिखा हुआ है टॉर्चर इन द लॉ ऑफ प्रूफ 1215, यानी 1215 में इस टाइप के टॉर्चर यूज़ किया करते थे ब्रिटिश लोग। मुझे तो कांटे आ रहे ये देख के, अजीब सा फील हो रहा है मुझे अंदर आके। यहाँ देख लो, यहाँ पर प्रिजनर को इस तरीके से उसका जो सर है वो, पता नहीं क्या वर्ड यूज़ करूँ मैं, बट प्रिजनर का जो सर है उसके अंदर डाल के इसको घुमाया जाता था, और उसके जो गर्दन है वो तोड़ी जाती थी। तो इस तरीके से वो हाल होते थे प्रिजनर के। ये जो आप देख रहे हो ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे प्रिजनर को लटकाने के लिए। तो ये जो हथकड़ी आप देख रहे हो, इसमें प्रिजनर को उसके हाथ बांधते थे, और यहाँ से वो दोरी खींचते थे। तो ये आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ पर, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि प्रिजनर को ऐसे बांधते थे और ऊपर ऐसे उसको खींचते थे। ये वाला आप इंस्ट्रूमेंट देख लो, यहाँ पर प्रिजनर को बैठा के उनके जो हेड है वो इसमें डाल के, और हाथ भी उनके बांध देते थे इस तरीके से। और यहाँ पर दो प्रिजनर को एक साथ में उनको अटैच करते थे ताकि मूवमेंट उनकी साथ में ही हो। ये मुझे लग रहा है सर काटने के लिए था। यहाँ पर प्रिजनर को लेटा के यहाँ पर उसका सर
और ये जो ब्लेड है इसको छोड़ते होंगे नीचे, और इस तरीके से प्रिजनर का जो सर है वो काटा जाता था। यार ये तो काफ़ी एडवांस नहीं, काफ़ी पेनफुल ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि पहले यूज़ किया करते थे। जो आप चार्ट देख रहे हो यहाँ पर, इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है कि जो डेथ पेनल्टी देते थे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके, अलग अलग मेथड यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट आपने देखे वो अलग अलग कंट्रीज़ यहाँ पे दी हुई है, उन्होंने कब स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम यूज़ और अबोल्यूशन यानी कब उन्होंने ख़त्म किया था, वो इस साइड में उन्होंने दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट आप देख रहे होंगे इस चार्ट में ऑलमोस्ट सारे अभी अबोल्यूशन हो चुके हैं, अभी कोई भी यूज़ में नहीं आते हैं। बट ये जो आप देख रहे हो, ये जो कंट्रीज़ के नाम है यहाँ पर, ये अभी भी डेथ पेनल्टी देते हैं हैंगिंग करके। और आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पर इंडिया का भी नाम है, क्योंकि इंडिया में होती है डेथ पेनल्टी, हम हैंग करके प्रिजनर को डेथ पेनल्टी देते हैं, इसलिए इन्होंने लिस्ट में इंडिया का नाम भी दिया हुआ। ये जो सारे यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने ये जो मेथड है ये वाली, इन्होंने सारी अभी बंद कर दी है, तो ये बस इन्होंने अभी म्यूज़ियम के अंदर रखा है लोगों को बताने के लिए। बट काफ़ी डरावने लग रहे हैं मुझे इनको देख के, ऐसे अजीब सी मुझे अंदर से। और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं और अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं। ये डिज़ाइन किसने किए होंगे, कितने खतरनाक। ये वाला देख लो दोस्तों, यहाँ पर ये बुल है, बुल के अंदर आयरन का बुल है ये, और अंदर ये दरवाज़ा ये खुलता है और इसके अंदर प्रिजनर को डालते थे। देख रहे हो आप, एक डमी प्रिजनर रखा हुआ यहाँ पे और नीचे आग लगाते थे और ये इसको बंद कर देते उस प्रिजनर को अंदर डालने के बाद में। कितना पेन होता होगा प्रिजनर। ये वुडन का बना हुआ है, इस वाले इंस्ट्रूमेंट में आप देख रहे हो ये वुडन का बना हुआ है और इसके अंदर भी कील लगे हुए देख रहे हो आप, काफ़ी बड़े बड़े कील लगे हुए हैं पीछे और यह दोनों साइड में। तो इसके अंदर प्रिजनर को डाल के इसको बंद कर देते थे ताकि ये जो कील है उसके अंदर चले जाए। तो ये भी काफ़ी ख़तरनाक मुझे लग रहा है। और ये रियल वाला है दोस्तों, ये डमी नहीं है। इंस्ट्रूमेंट रखे हुए इन्होंने सारे के सारे रियल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए, एक भी यहाँ पे डमी नहीं है। तो ये आप देख रहे हो नॉर्मल हैंगिंग, ये हमारा फांसी का फंदा। तो यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं अलग अलग टाइप के, वो प्रिजन में भी यूज़ करते थे और बाहर भी एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ करते थे। तो जो नॉर्मल लोग थे, नॉर्मल लोगों को भी पनिशमेंट देने के लिए वो सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे जो बताए गए हैं वो सारे रियल में यूज़ करते थे। ये वाला मास्क आप देख रहे हो, ये कैदी के मुँह पर बांधते थे और सामने से इस तरीके से चूहा छोड़ देते इसके अंदर ताकि वो उसका पूरा मुँह काट सके। कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट ये डिज़ाइन करते थे। तो यहाँ पर आप ये जो चेयर देख रहे हो, ये कोई ऐसी वैसी चेयर नहीं है, ये है इंट्रोगेशन चेयर। तो कोई प्रिजनर या किसी को अगर इंट्रोगेट करना होता था तो उसको इस चेयर पे बैठाते थे। और इस चेयर की खासियत ये है कि यहाँ पर हाथ के पास कील लगे हुए है, बैक पे कील लगे हुए है और नीचे आग लगाते थे। तो ये बैठने के लिए है और इतना पार्ट पीछे से वो आग लगाते थे। तो इस तरीके से पहले हुआ करती थी इंट्रोगेशन चेयर। तो यहाँ पर एक इन्होंने इसको क्या बोलते हैं, ना भूल गया मैं इसको, इंग्लिश एक्स, एक्स बोलते शायद। तो यहाँ पर एक्स रखी हुई है, ये यूज़ करते थे हाथ काटने के लिए। यहाँ पर भी प्रिजनर रखा हुआ है, इसका हाथ या फिर सर काटने के लिए इसको यूज़ करते थे। रख देता इसको वापस। यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ये सारे यूज़ करते थे डी नेलिंग के लिए, तो जो पैर के हाथों के जो नेल्स होते थे ना वो निकालने के लिए। तो यहाँ पर आप एक कंकाल देख रहे हो, ये कंकाल असली का है जो कि 12th सेंचुरी में एक प्रिजनर का बचा हुआ है, उन्होंने यहाँ पे रखा है। ये मास्क पहनाते थे प्रिजनर को, तो ये इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन मास्क, मास्क ऑफ शेम। तो ये यूजुअली पहनाते थे वुमन को, अगर वो कोई अगर माइनर कोई मिस्टेक कर रही है तो उनको पहना के पब्लिक प्लेस में उनको टंगा देते थे और लोग आके उसकी बेइज्जती करते थे। तो अभी निकल गए हम इस म्यूज़ियम के बाहर, ये एक्चुअली अंडरग्राउंड म्यूज़ियम है। काफ़ी इंस्ट्रूमेंट डरावने थे रखे हुए और इन्होंने जो
नीचे इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखा है ना, वो म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक भी काफ़ी डरावनी उन्होंने रखी है। तो मुझे बताओ कमेंट में आपको ये म्यूज़ियम कैसा लगा।